जांच हेब ओकिलंकर डिग्री चिन्हट हेबे नकली ओकिल। आज ए संक्रांत में अजय शंकर श्रीवास्तव एक मामलें शुणी कर यह निर्देश देते सुप्रीमकोर्टर तीन जनीया खंडपीठ। एथपाई पूर्वतन विचारपति जस्टिस दीपक गुप्ता नेतृत्व में एक आठ जनीया टीम गठन कर सुप्रीमकोर्टर मुख्य विचारपति डीवाई चंद्रचूड नेतृत्व में तीन जनीया खंडपीठ मामलार गुरुत्व को विचार कर यह निर्देशनामा जारी करते। देशर समस्त राज्यर बार काउंसिल प्रक्रिय समस्त ओकिलंकर आईन डिग्री जांच करेंगे। जांच प्रक्रिया सरिया आसंता अगस्ट 31 सुधा कमिटी तार रिपोर्ट खंडपीठ निकट में दाखल करेंगे। ओकिल मूल डिग्री सर्टिफिकेट सहित तो आईन डिग्री और अन्यान्य योग्यता सर्टिफिकेटर जांच हो सर्टिफिकेट प्रदान कर बोर्ड विश्वविद्यालय सहायता ने कमिटी पूर्व 2015 मसीह प्रथम देशर समस्त ओकिल सर्टिफिकेट जांच दुईजिया खंडपीठ निर्देश देते हैं। जांच बोर्ड और विश्वविद्यालय पक्षर् अधिक अर्थ दावी कर प्रक्रिया स्थगित रही मामलार शुणी कर से दुईजिया खंडपीठ जांच अर्थ छाड़ करने को निर्देश देते। देश में वर्तमान 25,70,000 ओकिल विभिन्न राज्य बार काउंसिल अधीन कार्यरत अच्छा। लगाई गई है कि जो एडवोकेट रजिस्टर हो जाते हैं उनका क्वालिफिकेशन नहीं होता है, उसमें से बहुत सारे लोगों की डिग्री बाद में नकली पाई जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जिसमें जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के उनको मेंबर बनाया गया है, दो और सीनियर एडवोकेट्स को मेंबर बनाया गया है जिनमें से एक एसजी भी रहे हैं। तो वो वेरिफिकेशन का काम कोऑर्डिनेट करेंगे और प्रोसेस करेंगे और हर स्टेट बार काउंसिल के लेवल से ये वेरिफिकेशन होगा और इस तरह से वेरीफाई करके ये तय होगा कि इनकी डिग्री नकली है असली है क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी था और ये एक अच्छा कदम है।